हेलो। तो ये जो लेक्चर वीडियो है ये एक बच्चे के डिमांड पे है, और इसमें कुछ जो एग्जांपल्स हम बताएंगे या जो भी हम तुमको यहाँ पे बताने वाले हैं, इसमें कुछ चीजें तुम्हें हम बता दें। उसने कई बार हमसे, मैंने कमेंट में पूछा कि भैया आप जो है ये बताओ कि गेट फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक जो है हम पढ़े। ठीक है, तो एक चीज जो हम तुम्हें बता दे पहले ही कि जो गेट या नेट या जो भी ये सब एग्जाम्स होते हैं, इसमें अलग से कोई बुक की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए कोई बुक्स अवेलेबल नहीं होता। द ओनली थिंग इज दैट इज इम्पॉर्टेंट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो तुम बुक्स की बात करते हो, दोज बुक्स आर एक्चुअली क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक तुमको मार्केट में खरीदने में मिल जाएगा, ठीक है, तुम इंटरनेट से ले सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है वो उतना सारा नहीं है, तो तुम्हें मार्केट से ही लेना पड़ेगा। हमें जहाँ तक पता है, अगर तुम और सर्च करके निकाल सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सवाल होता है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें इन फिजिक्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसी सेशन में हम तुमको कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि बीएससी पार्ट वन के बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, काफी मन से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, तो उसी को लेकर के चलेंगे। बाकी और जो पेपर्स है, उस बाकी और जो सेक्शन है फिजिक्स के, उसको भी धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी भी बताना है हमें। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला चीज है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। अब इसमें तुमको कुछ बातें हम अभी से बता दें। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स दो प्रकार के होते हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, एक तो होता है मैथमेटिक्स बेस्ड। मैथमेटिक्स बेस्ड मींस फॉर्मूला बेस्ड। अभी हम तुमको सिंपल चीजें बताएंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। उसमें एफ बराबर एम ए इक्वेशन है, तुमको मान लो एक्सेलरेशन दिया गया है, फोर्स दिया गया है, मास निकालना है। ये जो है ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, इट इज नॉट ए फिजिक्स प्रॉब्लम। फिजिक्स प्रॉब्लम जो है वो ऐसा होता है जो थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, जनरली वो करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्टार्टिंग फ्रॉम नीट जेई टू ये सब जो एग्जाम है, थॉट प्रोवोकिंग, कंसेप्ट बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड। और कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसमें तुमको जो है फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है, या कुछ जो इस कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, कंसेप्ट बेस्ड भी होता है। कई बार तो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें सभी ऑप्शन सही लगते हैं, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इन दैट केस यू हैव टू बी फास्ट एंड एक्यूरेट। जो मूल मंत्र जो है इसका वो है फास्ट एंड एक्यूरेट। महाभारत में अर्जुन था ना, उसकी तरह फास्ट भी होना है और एक्यूरेट भी होना है। फास्ट एंड एक्यूरेट। इंक थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, क्योंकि पीपीटी में लिखने की आदत हमको नहीं है, हम इसको पतला कर देता हूं, पेंसिल कर देता हूं। मिनिमम टाइम में तुमको एक्यूरेट आंसर्स जो है वो खोजने होते हैं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेल अंडरस्टूड कंसेप्ट। और कंसेप्ट को समझने के लिए तुम्हें सोचना पड़ता है, खाली पढ़ने से नहीं होता। बुक्स बहुत सारे अवेलेबल है, तो तुमको गेट की तैयारी के लिए कोई बुक मिल जाए तो वो बुक में क्या होगा, बुक में जो है वही फॉर्मूले इक्वेशंस रहेंगे जो तुम पढ़ते हो, ठीक है, उसमें अलग कुछ नहीं रहेगा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज इंपॉर्टेंट।
और उन क्वेश्चंस को तुमको खुद से सॉल्व करना है। तो फिलहाल जो है एक हम लोग कुछ एग्जांपल्स में आते हैं। ये जो है ये गेट का एक पुराना पेपर मेरे को मिला, एक सज्जन हमसे ले गए थे आया। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं पार्ट वन में उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहा है शुरू से ही कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये एग्जाम्स की तैयारी जो है एक झटके में थर्ड ईयर में आके करने जाओगे नहीं होगा, सीधी सी बात है नहीं होने वाला है, अभी से करना है। अगर कुछ करना है, अगर तुमको बेटर कहीं जाना है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, सीधी सी बात है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि पी टाइप एक सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सिलिकॉन सैंपल है, तो कहा जा रहा है इसकी कंडक्टिविटी जो है एन टाइप सैंपल से ज्यादा होगी, जबकि डोपेंट का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तुम्हारे पास एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सिलिकॉन है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी क्या एन टाइप से ज्यादा होगी? सिलिकॉन का ही वो भी है, एक पी टाइप है एक एन टाइप, सेम कंसंट्रेशन है डोपेंट्स का। पी टाइप में जो है वो ट्राइवेलेंट है, इसमें पेंटावेलेंट है, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो इसमें जो कंसेप्ट तुम अब तुम आंसर खोजोगे, किताब में आंसर खोजोगे, इसमें कंसेप्ट क्या है, हम एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें जो कंसेप्ट तुम्हारा यूज होता है दैट कंसेप्ट इज कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, हम डिटेल्स में बता रहे हैं तुमको ताकि तुम समझ पाओ, डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी। ये मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। अब तुम्हारा जो पी टाइप या एन टाइप होता है उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे जो सिलिकॉन के लिए जो वैल्यूज है मोबिलिटी के, ये मोबिलिटी के वैल्यूज जो है कुछ इस प्रकार के हैं। ये तुमको थोड़ा सा अगर डाटा ये याद भी ना रहे तो कंसेप्ट पहला यह याद रखना कि वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि जो म्यू पी है द मोबिलिटी ऑफ होल्स की अगर हम बात करें, दैट मोबिलिटी ऑफ होल्स इज अप्रोक्सीमेटली 480 के आसपास होता है। ये एग्जैक्ट डाटा हमें याद नहीं है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर वेलोसिटी सेकेंड, ये कुछ इस तरह का होता है। एग्जैक्ट डाटा हमें याद नहीं है। और जो n जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1350। तो जो हो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है इट इज ऑलवेज लार्जर देन होल्स, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तुमको कंसेप्ट ये याद रखना है कि मोबिलिटी किस पे, ये कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मोबिलिटी पे। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंडक्टिविटी हमने बताया है, जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने करवाया है उसमें अपने लेक्चर में तुम देख सकते हो। म्यू एन की यदि हम बात करें, म्यू एन इज गिवन बाय एन क्यू म्यू एन, सॉरी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा एन, दिस इज सिग्मा एन, सिग्मा एन कंडक्टिविटी दैट इज एन क्यू म्यू एन। म्यू एन क्या है, मोबिलिटी है, एन क्या है डोपेंट है, जितना कंसंट्रेशन है, क्यू क्या है चार्ज है। वहीं पे अगर हम बात करें होल्स की तो होल्स के लिए जो है कुछ इस प्रकार का है, सिग्मा पी इज पी टाइम्स क्यू चार्ज उतना ही होता है एंड म्यू पी। तो क्योंकि एन जो है वो सेम है, एन और पी बराबर है, क्यू चार्ज बराबर है, म्यू एन और म्यू पी अलग अलग हैं, तो हमारा कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा। सिंस पी इज इक्वल टू एन
क्यू दोनों में सेम है, म्यू एन इज लार्जर देन म्यू पी, सो सिग्मा एन विल बी ग्रेटर देन सिग्मा पी। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि होल्स की मोबिलिटी पी टाइप की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये फर्मी लेवल पे है, ये थोड़ा सा पार्ट वन वालों के लिए थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन हम इसको बता देंगे। फर्मी लेवल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ाना मत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसमें पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, किसी एक मेटल में जो है वो फर्मी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो केल्विन। तो मेटल्स में क्या होता है कि ये अगर कंडक्शन बैंड है और इसके नीचे अगर तुम्हारा वैलेंस बैंड है, इफ दिस वन इज द वैलेंस बैंड, तो ये दोनों जो ओवरलैप करते हैं, तो जीरो केल्विन से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जो है इन ए मेटल, इट इज फाउंड इन द कंडक्शन बैंड, सो प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर इज इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी जो है ये वन होता है। ठीक है, सिंस इन ए मेटल द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग so the probability that an electron will be found at Fermi level is 1, ये जो है वन होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है ये। लेट अस रीड द क्वेश्चन और देखें कि क्या होता है, ये क्या इसका कह रहा है। इसका पहले हम थोड़ा फॉन्ट ठीक कर दें कि यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स का सिलिकॉन में किस पे डिपेंड करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, इसमें पहला ऑप्शन है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है इंक्रीजेज एट लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिक्रीजेज एट हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिबिटिंग नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, इंक्रीजेज लीनियरली विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेजुअली सैचुरेट्स एट हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने तुमको बताया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसमें कंसेप्ट जो तुम्हारा यूज होगा वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू वी डी। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे, इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके लिखते हैं तो वी डी इज इक्वल टू म्यू एन ई, मोबिलिटी है। म्यू एन क्या है, मोबिलिटी है, अभी हम लोगों ने मोबिलिटी देखा। ठीक है, तो ये जो म्यू एन है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या है, म्यू एन इज चार्ज टी सी बाई एम एन, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का मास, क्यू इज चार्ज एंड दिस वन इज रिलैक्सेशन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनसीईआरटी की बुक अगर है तुम्हारे पास तो एनसीईआरटी की बुक एक बार पढ़ लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यहां पे ये जो है, दिस इज म्यू एन इज क्यू टी सी बाई एम एन एंड वी डी इज इक्वल टू म्यू एन ई। तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वेरिएशन कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो यहाँ पे जो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू कोलिजन्स। ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम वो स्पेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझो, पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा
तो ये जो मोबिलिटी है दैट मोबिलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ड्रिफ्टिंग करेगा। लेकिन एट वेरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझो ध्यान से, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट तुमको ध्यान में रखना है इसके लिए। तो इन दैट केस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लेवल, मैंने इसके बाद ये सैचुरेट होने लगता है। अगर हम बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ये सैचुरेट होने लगता है। हम तुमको एक डायग्राम यहां पे दिखा रहे हैं, लेट मी शो यू द डायग्राम। दिस वन इज द सिचुएशन। अब ये रिलैक्सेशन टाइम टीटीसी क्या होता है, टाउ सी इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। कोलिजन्स हमेशा हो रहे हैं, बार बार हमने बताया है, कोलिजन्स जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या होता है, फोर्स लगता है ई ई, एक्सेलरेशन होता है ई ई बाई एम। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे या एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत स्पीड से मूव करेगा, लेकिन कोलिजन्स हमेशा रहेंगे। तो इसका रिजल्ट, नेट रिजल्ट ये होगा कि एट हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट अटेन्स ए सैचुरेशन वैल्यू। एट हायर वैल्यूज ऑफ ई, वी डी अटेन्स ए सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन मतलब इसके आगे और ये इंक्रीज नहीं कर सकता, सैचुरेशन वैल्यू इसके आगे और वो इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये लीनियरली पहले तो बढ़ता है, उसके बाद ये सैचुरेट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, इसका पहले हमको फॉन्ट बढ़ाने दो। इसमें पूछा जा रहा है कि एक पी टाइप सिलिकॉन सैंपल है जिसमें होल्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10^15 है, ठीक है। हमने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन का स्नैप लिया तो इसमें थोड़ा ये और ये 10^10 है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है, इतना ध्यान देना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़े हो, कंसंट्रेशन तो, और जो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा। तुम लोग ये चीज पढ़ चुके हो, उसी का एप्लीकेशन है। देखो यहां पे फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पी टाइप सिलिकॉन सैंपल है, होल्स का कंसंट्रेशन दिया गया है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया गया है, तो तुमको इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो इसमें कौन सा इक्वेशन, कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? इसमें कंसेप्ट यूज करोगे इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने बताया था ये इक्वेशन का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा इक्वेशन होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पी के लिए, दिस इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट तुमने यूज करना है। तो यहाँ पे तुमको P जो है, P की वैल्यू दी गई है और एन आई की वैल्यू दी गई है, तो तुम N निकाल सकते हो, ये कंसेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे जो है तुमको N कैसे निकाल सकते हो, एन आई स्क्वायर बाई पी, एन आई स्क्वायर 1.5 × 10^10 × 1.5 × 10^10 बाई पी का कंसेंट्रेशन दिया हुआ 2.25 × 10^15। तो ये जो है, दिस इज, ये 15 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और नीचे है 15, मैंने 15 × 10^5 लगभग इतना आएगा, तुम चेक कर सकते हो 10^5 के ऑर्डर का आएगा, ये हो जाएगा।
अच्छा ये 15 भी कट गया, हाँ 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर का होगा, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कंसेप्ट इसमें क्या यूज हुआ, दिस वन इज द मेन कंसेप्ट, ये तुमको ध्यान रखना। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इज इंजेक्टेड इन टू ए होमोजीनस सेमी कंडक्टर क्रिस्टल एट वन पॉइंट, किसी एक उसके पॉइंट में एक माइनॉरिटी कैरियर्स उसमें इंजेक्ट किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है 10 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का उस क्रिस्टल के ऊपर, और इसके कारण जो है माइनॉरिटी कैरियर्स मूव करते हैं 1 सेंटीमीटर इन 20 माइक्रोसेकेंड्स। तो मोबिलिटी निकालनी, इसमें ये नहीं बताया पी है एन है, ठीक है, तो इसमें कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले जो तुम्हारे पास दिया हुआ है E इज 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम 20 × 10⁻⁶, ये है स्पीड। अब इसी पे रुक मत जाना, ध्यान से पढ़ो समझो भी क्वेश्चन को, तो वेलोसिटी जो है ये अबाउट आएगा तुम्हारा 50,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जो है आएगा 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। अब इसी को जो है पटाख से आंसर मत देख लेना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाल, हमको क्या निकालना है, मोबिलिटी निकालना है। अब ध्यान से समझो, ये जो स्पीड है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर्स डाले जा रहे हैं उनकी स्पीड है, सो दिस इज द स्पीड विथ व्हिच चार्ज कैरियर्स आर मूविंग, सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तुमको क्या निकालना है, मोबिलिटी निकालना है, म्यू एन निकालना है। म्यू एन क्या हो जाता है, म्यू एन हम कैसे निकालेंगे यहां से, म्यू, तो यहां पे म्यू एन के लिए हमको एक फॉर्मूला, तुमको एक याद आएगा, ये सॉरी म्यू एन हम यहां से निकाल सकते हैं आसानी से, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी इज म्यू एन टाइम्स ई, हमको मोबिलिटी निकालनी है, सो म्यू एन इज वी डी 1, 2, 3, 4 × 10 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आंसर 5000, सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है कि प्राइमरी रीजन जो है फॉर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सिलिकॉन, तो इसके बारे में भी हमने बताया सिलिकॉन क्यों यूज किया जाता है ज्यादा, जबकि जर्मेनियम भी है। तो इसमें जो है तुमको ऑप्शंस दिए गए हैं, अबंडेंस ऑफ सिलिकॉन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, मैंने बहुत ज्यादा मिलता है, बैंड गैप ज्यादा होता है जर्मेनियम के कंपेरिजन में, इसलिए फेवरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, इसलिए लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए, तो इसमें से तुमको चूज करना है क्यों ज्यादा यूज होता है। तो ऑप्शन इसमें जो है, ये मेन जो कारण होता है सिलिकॉन को यूज करने का, हम लोगों ने पढ़ा है कि सिलिकॉन का जो है लीकेज करंट बहुत कम होता है, सिलिकॉन लीकेज करंट इज लेस कंपेयर्ड टू जर्मेनियम, लेकिन ये ऑप्शन तो है नहीं इसमें कंपेयर्ड टू जर्मेनियम। तो इसमें जो है बैंड गैप ज्यादा होने पर उसका यूज बढ़ जाएगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम यूज कर नहीं रहे हैं, हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट से यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हम इसको इतना टेम्परेचर पे नहीं ले जाते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर मेल्ट कर जाए, सो द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज दैट इट इज मोर अबंडेंटली अवेलेबल, अबंडेंटली अवेलेबल है तो ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करना, बैंड गैप ज्यादा होगा तो उससे हमको फेवरेबल प्रॉपर्टी वो यूज के लिए बहुत सही नहीं होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। फेवरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम यूज नहीं करते, हम सिलिकॉन यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तक जाते ही नहीं है सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, उतना हाई टेम्परेचर पे हम ले ही नहीं जाते कि सिलिकॉन ही मेल्ट कर जाए, तो सोचो पीएन जंक्शन का क्या होगा। सो इट इज
बिकॉज इट इज मोर अबंडेंटली अवेलेबल, तो उससे वो जो है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दैट इज व्हाई यू यूज सिलिकॉन। तो इसी प्रकार से जो है हम और भी क्वेश्चंस तुमको देंगे, डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट्स, इसके लिए कोई अलग बुक देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम कहां पर यूज करें, ठीक है। इसमें अगर तुम लोगों का क्या रिस्पॉन्स है तुम कमेंट में हमें बताना, तभी हम आगे जो है और भी इस तरह के लेक्चर्स अपलोड करेंगे।